देखिए, मैं जो सबसे बड़ा जो दुख की बात है, और वो लगातार ये जो गांधी दर्शन और गांधी स्मृति है दिल्ली में, उसके अध्यक्ष विजय गोयल हैं। और विजय गोयल के नेतृत्व में जो वहाँ की जो पत्रिका निकलती है अंतिम जन, उसने सावरकर अंक निकाला था, और उसमें सावरकर अंक में लिखा था कि मतलब बहुत भर्त्सना की थी उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि जो लोग एक दिन के लिए भी कभी जेल नहीं गए वो इस समय शहीद बनना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। गांधी की उन्होंने काफी आलोचना की थी। मैं एक चीज जो मेरे मन में, चूंकि मैं बहुत सालों तक गांधीवादी संस्थाओं से जुड़ा रहा हूं और अभी भी जुड़ा हुआ हूं कई कारणों से, पारिवारिक कारणों से, मैं समाजवादियों की बात नहीं कर रहा हूं और दलित नेताओं की भी बात नहीं कर रहा हूं, साम्यवादियों की भी बात नहीं कर रहा हूं, कि ये जो पूरा का पूरा चल रहा है उसके प्रति उन्होंने क्या प्रतिरोध किया है, क्या बयान दिया है, क्या विरोध लिखित में किया है या सोशल मीडिया पर किया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो एक अलग बहस का विषय हो जाएगा। देश की किस गांधीवादी संस्था ने, किस गांधीवादी नेता ने इस समूचे घटनाक्रम को लेकर कोई किसी भी तरह की चिंता व्यक्त की है? ये काम जो सड़कों पर आने का है और सत्याग्रह करने का है, मेरा ऐसा मानना है कि ये पहला जो अधिकार है या पहली ड्यूटी है या पहली जिम्मेदारी है, वो गांधीवादी संस्थाओं की है, गांधीवादियों की है, जो इतने बड़े बड़े आश्रम, संस्थाएं और प्रतिष्ठान बनाकर बैठे हुए हैं। आपने देखा कि सेवाग्राम में क्या हो रहा है, आपने देखा साबरमती को किस तरह से खाली करवाया गया, उसका आधुनिकीकरण किस तरह से हो रहा है। तो ये जो एक बड़ा संकट है, अमरीश जी, में राजनीति का तो एक संकट अलग है, वो गांधी को राजनीति के लोग कैसे समझते हैं मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ये बड़ा संकट है कि जो जिसमें गांधी के लोग सिविल सोसाइटी का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और उनका किसी भी स्तर पर कोई प्रतिरोध, शांतिपूर्ण प्रतिरोध भी, विरोध भी प्रकट नहीं हो रहा है। मैं इंडिविजुअल विरोध की बात नहीं कर रहा हूं कि एक दो लोग अगर कर रहे होंगे तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत खतरनाक बात है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि जो लोग सत्ता में हैं उन लोगों का हौसला बढ़ रहा है, क्योंकि ये अधिकतर गांधीवादी संस्थाएं जो हैं वो काफी संस्थाएं, वो खादी संस्थाएं, खादी को खत्म कर दिया गया खादी भंडारों से, और पॉलिएस्टर वहां पहुंच गया है। आप बताइए कि खादी के काम में लगी किस संस्था ने उसका विरोध किया या कर रहे हैं, और विदेशों में जाकर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि हमारा खादी का जो एक्सपोर्ट है वो कितना बढ़ गया है। तो ये जो संकट है वो इतना बड़ा है कि मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने अनिल सिन्हा जी ने शायद कही, कि क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं बहुत इसको बढ़ावा नहीं देना चाहता, कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, मेरा ऐसा मानना है और बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अधिनायकवाद के लिए, कि सेना के लिए या उसके अधिनायकवाद के सिपाहियों के लिए का पढ़ा लिखा होना सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। उन लोगों के लिए मूर्ख रहना बहुत जरूरी है, उनको मूर्ख रखा जाना भी बहुत जरूरी है। गांधी को पाठ्यक्रम से निकालने का मतलब यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ या 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं,
उनके बच्चे भी गांधी के बारे में नहीं जान पाए। ये देश की बात नहीं है, ये सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही लोगों, और वो जो 37-38% वोटर हैं उनको भी कंडीशन करना चाहती है, उनके दिमाग भी कुंद करना चाहती है कि इन लोगों को भी गांधी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आपको, आप अगर किसी अगली डिबेट में बात करेंगे कि सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों की, कह रहा हूं मैं, सांसदों की अभी नहीं कह रहा हूं, 303 सांसदों के कितने बच्चे डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, रूस और चीन में नहीं, प्रजातांत्रिक मुल्कों में पढ़ाई कर रहे हैं। आप अगर लिस्ट निकालेंगे कि मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्रियों के बच्चे हैं, उनको वहां, ये वहां जाके गोडसे की बात नहीं कर सकते। ये सावरकर की नहीं कर सकते, ये वहां गांधी का अपमान नहीं कर सकते, मार्टिन लूथर किंग का अपमान नहीं कर सकते। ये इन्हें, इस सरकार के लिए या किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक आंकड़ा हो सकता है कि इस देश के 600-700 पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग हैं, जो इस देश की संपदा हैं, हर दिन 600-700 लोग प्रतिदिन 365 दिन साल में भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। आप अगर आंकड़े निकालें कि 2022 में कितने लोगों ने नागरिकता समाप्त की, छोड़ी और विदेशों में गए, तो आपको पता चलेगा कि 2.5-3 लाख लोग गए। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों की, अनिल जी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे यहां रहेंगे तो रोजगार मांगेंगे। इनको लोगों के हाथ में तलवारें, बंदूक और हथियार सौंपना है और उस गांधी की हत्या करना है जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता है। आरएसएस पर प्रतिबंध नेहरू ने नहीं लगाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगाया था, और आरएसएस ने लिख कर दिया था उस प्रतिबंध को हटाने के लिए कि हम एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम राजनीति में कभी प्रवेश नहीं करेंगे, न कभी भाग नहीं लेंगे। वो ऐतिहासिक दस्तावेज है, और उन्हीं वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति गुजरात में लगाई गई है। संकट हमारी बहस से कभी कई गुना बड़ा हुआ है, बड़ा है। तो इसलिए मैं, मतलब ठीक है, हम लोगों को बात इसलिए करना चाहिए इस पर कि हम भी बात नहीं करेंगे तो हमारे जो कुछ श्रोता हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं और जो हमारी बात को सुनकर कुछ चीजों को टटोलेंगे कि क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रतिबंध लगाया था, क्या ऐसा हुआ था, तो वो हो सकता है कि मल्टीप्लाई हो। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं अमरीश जी, कि देश में जितने राज्यों में विपक्ष की सरकारें हैं उनको किसी ने नहीं रोका है कि गोडसे, गांधी और सावरकर के बारे में जो सच्चाई है वो अपने प्रदेश के, प्रदेशों के नागरिकों को लगातार देती रहे। पूरा का पूरा देश अभी भगवा झंडे के तले आया नहीं है, केरल में, चेन्नई में, उड़ीसा में, तेलंगाना में, आंध्र में, मैं कितने राज्यों के नाम लूं आपको, हिमाचल में, राजस्थान में, बहुत सारे राज्य हैं जहां करोड़ों लोग रहते हैं। इन्होंने एनसीईआरटी की किताबें बदली हैं, राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों को अपने हाथों में नहीं लिया है।
इसलिए ये इन राज्यों की हुकूमतें अगर चाहेंगी तो बहुत सारा काम हो सकता है। गांधी को लेकर हम लोगों को कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। गांधी को बिल्कुल ये कोई भी देश की हुकूमत कोई भी हो वो खत्म नहीं कर पाएगी। ये भी अलग रहेगा कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कुछ और होगा जब वो जाएगा कर्नाटक में पढ़ने। हमारे उत्तर भारत के ज्यादातर बच्चे कर्नाटक दक्षिण भारत की तरफ जा रहे हैं पढ़ने के लिए, यहां से किसी और गांधी को पढ़ के जाएंगे और वहां किसी और गांधी को पढ़ेंगे और विदेश जाएंगे तो उनको नया गांधी मिलेगा। ये अद्भुत काम ये सरकार कर रही है, और हमें थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है सिविल सोसाइटी और गांधीवादियों से। गांधीवादियों को तो कम से कम सामने आना चाहिए इस पूरे मामले पे, सर्वोदय को लोगों को, गांधीवादियों को कम से कम इस पे अनशन तो करे। हर बात पे राजघाट पे जाके बैठने वाले लोगों को इस सवाल के ऊपर कम से कम पहल करनी चाहिए। आज की चर्चा को ही समाप्त करते हैं। जी हाँ जी, बोल रहे हैं, कुछ आप कह रहे थे। जी मैं कह रहा था कि बात बात पर अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच जाते हैं। जी इस मुद्दे पर क्या कर बिल्कुल, रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो तो उन्होंने गांधी तो की फोटो पहले पहले हटा अपने दिए, फोटो 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 हटा भी के हटा रखी दिए है। वो क्यों वही गांधी। जाएंगे? वो तो उनको उनको अब कौन भाई बताया जाए मालूम नहीं, लेकिन उनके ही भाई है। तो हमें लगता है कि राजघाट पे भी कुछ लोग जाएं और बैठे हो गांधी के साथ, जो कुछ हो रहा है इस देश में बहुत दुर्भाग्य।